हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्रिकेट और शॉर्ट फॉर्म में होता जा रहा है। पहले 60 ओवर्स के मैच होते थे, फिर घट के 50 ओवर्स के होने लगे, और अब तो 20 ओवर्स के। तो आपको पता है कि आईपीएल हो या अभी आईटी T20 चल रहा है यूएई में, और उसके बाद 10 ओवर्स के भी होने लगे हैं T10 भी। उसके लिए मैक्सिमम जरूरत आपको पड़ती है पावर हिटर्स की। आप कैसे बन सकते हैं पावर हिटर, क्या होनी चाहिए टेक्निक कि आप पावर हिटिंग कर सके। 3 बॉक्सेस आप टिक कर ले, वो 3 बॉक्सेस अगर आपके सही हो जाती है तो आप पावर हिटिंग कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ड्रिल बताऊंगा कैसे अपने पावर हिटिंग को सही करें। ये 2 ड्रिल आप करें, घर पे करें या जहां आप कोचिंग करते हैं वहां करें, आपकी पावर हिटिंग जरूर अच्छी होगी। 3 जो बॉक्सेस मैं बता रहा था, 3 जो टेक्निक थी, पहली आपकी स्टांस वो सही होनी चाहिए, दूसरी आपकी ग्रिप वो सही होनी चाहिए, और तीसरी आपका बैकलिफ्ट वो सही होना चाहिए। ये 3 चीजें आप ठीक कर लें, ये 3 बॉक्स आप ठीक कर लें तो आपकी पावर हिटिंग बहुत सही हो जाएगी। पहले बात करेंगे स्टांस के बारे में। स्टांस के लिए मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने लिंक भी दे दिया, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्टांस का, जो स्मॉल सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। स्टांस का सबसे ईजी तरीका क्या है, आपके जो शोल्डर्स है, शोल्डर से स्ट्रेट आपके लेग्स होने चाहिए, ये आपका स्टांस होना चाहिए अगर आप खेल रहे हैं तो। और क्योंकि रीजन बता रहा हूँ, रीजन कि आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सीधा आपके पैर के ये मिडिल सेंटर में पड़ना चाहिए, ये ताकि आपका जो फीट मूवमेंट है या आपका जो बैलेंस है खेलने का वो बना रहे। दूसरी चीज आपका बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट के लिए क्या जरूरी है, आपका बैक हैंड, जो बॉटम हैंड हम लोग बोलते हैं, बॉटम हैंड के लिए आप ये जो बैट पकड़ते हैं, ये पहले इसको हाथ को ये चीज लेके जाए, और उसके बाद जब ये लॉक होगा फिर ये हाथ आएगा आपका, और जब आपका ये हाथ आता है, ये जो हाथ देख रहे हैं आप, ये हाथ जो है, एल्बो जो है आपका पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड से। इवन सेम चीज आपका ये हाथ भी पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड से, ये दैट्स इट, ये आपका बैकलिफ्ट होना चाहिए। यहां से जब आप एक लीवर ले हुए, यहां से जब आप मूव करोगे बैट को, तो बैक हैंड आपका ज्यादा मूव करेगा, इससे आप जनरेट कर सकोगे पावर को, और आपकी जो बॉल जो है बहुत दूर बाउंड्री पे जाएगी। ये हुई 2 चीज। तीसरी चीज आपका हैंड का ग्रिप, जो आप जो हैंड का जो ग्रिप बनाओगे, मैं आपको सामने आकर दिखाता हूं। ये जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन से आपका एक वी यहां बनेगा और एक वी यहां बनेगा, ये और ये वी दोनों आपके सेम लाइन पे होने चाहिए, इस लाइन से मिलते हुए ये लाइन होनी चाहिए, ये आपका हैंड ग्रिप हुआ। ये 3 चीज आप बॉक्स को टिक कर लें, और उसके बाद जो मैं बता रहा था कि आप 2 ड्रिल घर पे कर सकते हैं जिससे आपकी पावर हिटिंग बहुत अच्छी होगी। पहली है, एक हाथ को पीछे रख लें और इस हाथ से ये मूवमेंट करें, जितना आप ये मूवमेंट करेंगे उतनी आपकी ये लाइन जो है स्ट्रेट आएगी, इससे आपकी पावर हिटिंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दूसरी ड्रिल जो है, दोनों हाथ से ले लें, जैसा मैं बताया था, ये हाथ आपके इस पैलर में आने चाहिए ग्राउंड के, और ये हाथ भी आपके पैलर में आने चाहिए ग्राउंड के। ये पोजिशन में आके फ्रंट फुट लेके, जो आपका बॉडी बैलेंस है, बॉडी वेट आपके फ्रंट फुट में आने चाहिए, यहां से ये फ्रंट फुट से आके ये आप घर पे करें या आप जहां कोचिंग करते हैं वहां करें। ये 2 ड्रिल मस्ट करें, शैडो जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एज अ क्रिकेटर, हम लोग उसको शैडो बोलते हैं, ये शैडो आप करें 2 ड्रिल, आपकी पावर हिटिंग जरूर सही होगी। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी पावर हिटिंग सही हुई है, या आप कोशिश कर रहे हैं पावर हिटिंग की और इससे आपकी टेक्निक में थोड़ा सा भी सुधार आया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक।